वेलकम स्टूडेंट्स वन मोर वीडियो फ्रॉम एजुकेशन एहोली चैनल। तो ये वीडियो महाराष्ट्र बोर्ड के 9th और 11th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, तो वीडियो पूरी देखना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आप लोग जानते हो कि अभी क्या हो रहा है, 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम ऑफलाइन लिया जा रहा है, बोला जा रहा है। और जो 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं उनका प्रोटेस्ट हो रहा है, पर ये वीडियो 9th और 11th के लिए। तो प्रोटेस्ट के बारे में बात इसलिए बता रहा हूँ कि आपको कुछ ज़रूरी बातें हैं बताने के लिए। तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोटेस्ट करें तो आप लोग प्रोटेस्ट करें तो प्रोटेस्ट में सिर्फ ध्यान मत दीजिए, आप लोग अपना स्टडी करिए। क्योंकि हमारे एजुकेशन के जो सिस्टम है वो लोग आपकी बात नहीं सुनने वाले हैं, आपका एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होने वाला है। और जो 9th और 11th के स्टूडेंट्स हैं वो लोग के लिए ये बात ज़रूरी है कि वो लोग अपना स्टडी स्टार्ट करके रखें, क्योंकि आप लोग का शायद एग्ज़ाम 25% सिलेबस रिड्यूस करके फुल सिलेबस अभी जल्द एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और जल्दी आपका लेट एक तो स्टडी स्टार्ट हुआ, एक तो ऑनलाइन लेक्चर्स दिया जा रहा है और बराबर हो नहीं रहे हैं, और अभी अचानक से आपका फाइनल एग्ज़ाम हो जाए और उसके बाद आपको बराबर नॉलेज भी नहीं है, तो 12th के लिए आप कैसे करोगे। तो इसके लिए आपको बता दूँ, आप लोग सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए अभी के अभी, जल्द से जल्द 11th का भी करिए और 12th का भी करिए, क्योंकि आप लोग को कोई सपोर्ट करने वाला इस समय नहीं है। और मैं अपने ऑनलाइन लेक्चर्स 11th और 12th के मैं देते रहता हूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऑल पे, ताकि आपको जैसे ही मेरे नए नए लेक्चर्स की वीडियो आए तुरंत ही आप लोग को मिल जाए। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को स्टडी अभी के भी स्टार्ट करना है। आपका एक तो 25% सिलेबस रिड्यूस किया गया है और स्कूल भी अलग से एक्स्ट्रा रिड्यूस कर रहा है सिलेबस, तो आप लोग को जब कुछ मिल ही नहीं रहा है पढ़ने के लिए तो आप लोग क्या करोगे 12th के लिए। तो आप खुद से स्टडी स्टार्ट करिए, खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से टेस्ट लीजिए, जिसके मदद से आपको 12th के लिए हेल्प हो पाए। नहीं तो आपको 12th भी आप बराबर नहीं ले पाओगे। कोविड पेंडेमिक केसेस धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं कोविड-19 के, इसलिए आप लोग क्या करिए, कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप लोग अपने ऑनलाइन लेक्चर्स जैसे कि यूट्यूब के थ्रू आप लेक्चर ले सकते हो, या कई जगह प्लेटफॉर्म ऐप से सब्सक्रिप्शन करके आप ले सकते हो लेक्चर्स। मैं भी कई सारे लेक्चर्स दे रहा हूँ, तो आप लोग मेरे इधर से भी लेक्चर्स ले सकते हैं। आप लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करिए, अपने स्टडीज़ को स्टार्ट कर दीजिए। अगर एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, इसलिए आप लोग स्टडीज स्टार्ट कर दीजिए। स्टडीज़ जैसे कि आप अगर साइंस स्ट्रीम लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो, तो सभी के लिए जैसे कि डेली एक एक सब्जेक्ट को हर डे दीजिए, हर सब्जेक्ट क्लियर करिए। आप लोग फुल कॉन्सेप्ट में पढ़िए, ना कि स्कूल जो रिलीज किया सिलेबस उसके हिसाब से मत पढ़िए, क्योंकि आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और 12th में अगर क्या पता आपको फुल सिलेबस मिल जाए तो आपको पूरा बराबर जब बेसिक ही नहीं आपका क्लियर तो कहाँ से आप 12th कर पाओगे। इसलिए 12th के लिए आप लोग 11th का अच्छे से अभी क्लियर कर लीजिए, डेली लेक्चर्स लीजिए। मैं जल्दी आपके लिए और अच्छे से लेक्चर्स दे दूँगा और सिलेबस के जो रिड्यूस विदाउट सिलेबस रिड्यूस आपको लेक्चर्स दूंगा जो ईजी वे में आपको एक्सप्लेन हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, मैं दूसरी बात बता रहा हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। तो मैंने जैसे बताया आपको स्टडी करना है तो डेली आपको मैंने फिजिक्स के बोला कि डेली जैसे कि फिजिक्स एक दिन दो, एक दिन फिजिक्स को दो, एक दिन बायोलॉजी को दो, एक दिन मैथ को दो, एक दिन केमिस्ट्री को दो, ऐसे डेली एक एक सब्जेक्ट को जब आप दोगे तो आपको जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और आपका बेसिक क्लियर होगा। क्योंकि 9th के जो लेक्चर्स हैं जैसे 9th में है इंग्लिश लैंग्वेज को साइड करते रहो, इंग्लिश को लैंग्वेज तो बेसिक बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो लैंग्वेज की बात नहीं है, साइंस मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं तो साइंस 1 साइंस 2 है। तो साइंस 1 साइंस 2 को भी आपको डेली करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी जितने भी हैं हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस उनको भी अच्छे से करना है। अगर आप लोग नहीं करोगे तो आपका 10th के लिए प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बेसिक जब आपका क्लियर है तो आप हाई लेवल का एडवांस लेवल कैसे करोगे, जो बेसिक आपका क्लियर रहना चाहिए। तो 9th और 11th ये दोनों बेसिक है, 10th के लिए बेसिक है और 12th के लिए 11th बेसिक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।